सभी को मेरा प्रणाम। मैं ललित पंत अपने YouTube चैनल में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। तो आप सभी दोस्तों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज सुबह से मेरे ब्लॉग की शुरुआत, तो मैं हूं अभी घर में, तो मेरी तैयारी हो रही है। क्या कहते हैं, बसंत पंचमी हमारे जो पहाड़ों में रीति रिवाज है कि आएंगे भी, तो आप बने रहिए मेरे चैनल में। पहले मैं देवताओं में सलाह देता हूँ, देवी देवताओं में पहले सबसे पहले सर्वप्रथम देवी देवताओं में चढ़ा जाता है, तो उनमें चढ़ा रहा हूँ अभी मैं। तो पहले घर में, तो आज मम्मी पापा भी कहीं बाहर गए हुए हैं, तो भाई भी नहीं है घर में, तो अकेला ही हूँ घर में मैं, तो अभी घर में। तो आप बने रहिए मेरे चैनल में, तो मिलता हूँ कुछ ही मिनटों में। तो पहले सुबह सुबह कोहरा, मेरे को जाना पड़ा पोखरी, तो पोखरी जा रहा हूँ अभी मैं। हाथ में जौ लेके, जौ ना जाने है ना, पोखरी पोखरी भी जा रहा हूँ। कोहरा कितना खतरनाक लगा है, देखिए आप भी सुबह सुबह कोहरा। तो ऐसी धुंध हो रही है यहाँ पहाड़ों भी, ये हटेगी बाहर 1 बजे तक ये टेम्पल। ये देखिए आप भी, तो अब मैं पोखरी से होते हुए, स्कूल से होते हुए अपने तो घर की तरफ को जा रहा हूँ दौड़ दौड़ के। देखिए टीका भी लगा होगा वो चाची लोगों के, वहाँ जाना पड़ा ना। तो टीका क्या लगाया आज, टीका क्या लगाते हैं, सर को पूछते हैं। तो हमारा रीति रिवाज है कि सर को पूछते हैं, पूछा जाता है आज बसंत पंचमी के दिन। तो पोखरी क्या जल्दी दौड़ दौड़ के आप खा रहा हूँ घर को, घर में आप थोड़ा काम भी करने ना, क्या कहते हैं वो, गाय को पानी भी देना है और गाय को पानी प्यास लग गई बेचारे को, तो शायद गोबर भी उठाना पड़ सकता है मेरे को। तो गोट में गोबर डाल के आता हूँ बाहर, तो अभी तो मिलते हैं अभी कुछ मिनट। तो अभी देखिए मौसम भी साफ हो चुका है आज भी, देखिए सुबह तो पूरे कोहरे से कैसी हो रही थी, तो आप सभी लोग ने अभी देखा ही हो, तो कोहरा ही कोहरा लगा हुआ था सुबह सुबह। तो देखिए अभी साफ हो गया, क्लियर हो गया मौसम, देखिए ऐसा ही होता है ना इस साइड को। तो सुबह तक तो पूरा ऐसा हुआ था, धुंध हुई थी पूरी, पूरा कोहरा लगा हुआ था, पूरा कुछ दिख ही नहीं रहा था इधर उधर। तो अभी देखिए पूरा क्लियर हो गया है। तो अभी काम कर लिया मैंने घर का, यानी कि आज गाय भी बांधे, तो गाय आई थी तो गाय आई बांधे, गाय को पानी भी दे दिया है, रोज का ही काम हुआ। तो देखिए अब गाय खा रही है अपना भोजन, देखिए लंच होने लग गया गाय का, देखिए तो अभी घर ही में तो शाम हो चुकी अभी, तो देखिए धूप भी अब चली गई है ना, ये देखिए। तो अब मैं जा रहा हूँ लुट्टे में गज्जू निकाल के आता हूँ गाय बच्चों के लिए भी, तो उनका पेट तो ज़रूर भरना पड़ता है ना, तो इसी वजह से मैं गज्जू लेके आता हूँ। अभी शाम भी हो रही है, मेरा हो जाएगा फिर, तो आखिर आ जाते हैं निकालना। तो ये देखिए जस्ट मेरे पीछे लुट्टा, तो यहाँ से निकालूंगा मैं गज्जू आकर। एक दो निकाल दिए, तो भ्रम वगैरह की गिर गए, देखो आप भी कितने जाएंगे मुट्ठी, दो दो चार मुट्ठी जाएंगे एक बार में।
एक मुट्ठा तो दो मुट्ठे तो उसके बाद फेंकने पड़ेंगे गाय के पास, अभी दो मुट्ठे उसके बाद फेंकने पड़ेंगे। मेरे घर के बाद जस्ट धुआं ही धुआं हो रहा होगा अभी, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है, बता नहीं धुआं धुआं इस वजह से हो रहा है कि मैंने आग बाली वहाँ पर, अभी आग जलाई है अभी, देखिए तो कमजोरी जैसी हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को। तो अभी तो अब गज्जू के बुल्ले ले जाता हूँ गाय बेचने के लिए बोर्ड में, तो डालूंगा फिर उनको। तो अभी हो चुका है मेरे शाम का खाना, अभी बनाई मैंने रोटियाँ, रोटियाँ बनाई तो अभी अभी खा रखा है खाना। तो आज ऐसे काम में उलझ गया था, घर के काम में, तो घर में अकेला होना तो भी काम करना पड़ता है थोड़ा। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आप सभी लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ललित पंत, फिर मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए मेरा प्यार।